राजकुमार को कंधे पर बिठा करके राजू राजू राजकुमार राजू राजू राजकुमार के नारे लगा रहे थे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और कोई सदस्य कोई नहीं दिखाई दिया। तो कोई भी नहीं। अच्छा आप लोग आते थे तो डरते थे यार कहीं मीडिया के सामने मेरी फोटो आ जाएगी तो राजकुमार हमें मार देगा। इस कार को नुकसान कर देगा। राजकुमार ने सबसे बड़ी गलती की थी अपने सामने जो जोड़ा है इस जोड़े को छेड़ करके सबसे बड़ी गलती की। आपको मतलब या जयजी को नहीं पता नीचे वाले लगे हुए होंगे या बिजनेसमैन लगे होंगे लेकिन गलत। अगर नवलगढ़ की हवेलियां जिस राज में टूटेगी वो राजस्थान विधायक विक्रम सिंह जी का बात तो लोगों ने कहा है पुत्र वाले नहीं। ये थोड़ी सी मैं विक्रम जी की गलती मानता हूँ। वो भी बड़ा चर्चा कर रहा था लियाड़ी और इस तरीके। हाँ वो तुम आपको बात बताने वाला था वो तो भूल गया। तो पूरी उम्मीद कर रहे अगली बार नंबर आओ। निश्चित रूप से अगली बार विक्रम सिंह जी जाकर राजेश कटियार को पार्टी में चुनाव लड़वाएगा। दिल की बात खातिर स्टार्ट करें दोस्तों। राम राम साहब। मैं था को दोस्त था को भाई था को मित्र कुम सिंह और आप हेलो लोग देख रहे हो नवलगढ़ में। आप लोग अब एक पॉडकास्ट के माध्यम से एक नई सीरीज आए हैं जी में इंटरव्यू के माध्यम से दिल से जुड़ी हुई मन से जुड़ी हुई बातें करते हैं। तो अपना पहला गेस्ट है अजीज जी कटेवा। अजीज जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब। आप टाइम दियो और पॉडकास्ट यहाँ को होगी मैं तो फुर्सत पर उसको टाइम हो वो ब्या देखूँ तो मैं फुर्सत की बात करूँ तो व्यापारिक रूप से थे जो नाम है कटेवा ग्रुप कटेवा विहार फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ धूम आवे भी हिसाब से सीरीज आवे तो अब राजनीति के सागे सागे क्या टाइम दे दे हो व्यापार ने। सबसे पहले तो हेलो नवलगढ़ में कैसे भी श्रोताओं को राम राम। रही बात टाइम की तो अब तो टाइम तो हमारे पास खूब है कमजीत फ्री रहते हैं हम तो काम तो था वो हो गया फ्री है हम तो परिवर्तन लाना हो। परिवर्तन तो देखो जिस दिन से हमारे पंचायत राज के चुनाव हो गए तो अब लगभग 4 साल हो गए। जब पंचायत राज के चुनाव हो गए थे मैं खिरोड़ गांव में मेरे खिरोड़ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बुला करके मुझे पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़वाया। जैसे नवलगढ़ में बीजेपी का कमल नहीं खिला था सेम स्थिति मेरे खिरोड़ की थी जी। मेरे खिरोड़ गांव में भी आज़ादी के बाद में बीजेपी की ये सीट कभी नहीं आई थी मेंबर वाले चुनाव में और नवलगढ़ के तरफ से भी यही था कि नवलगढ़ में भी बीजेपी नहीं आई। तो मेरे खिरोड़ गांव की जनता ने मुझे बुला करके मुझे चुनाव लड़ाया और 1450 वोटों से मुझे खिरोड़ से जीता करके नवलगढ़ भेजा मोकड़ा वोट खूब वोटों से जिताया था। उसके बाद में उसी दिन से तो हम तो लग गए थे क्योंकि जब चुनाव हुआ उसके बाद में हम नवलगढ़ पहुंचे फिर पार्टी की तरफ से आदेश था कि आप प्रधान का चुनाव भी लड़ दो। मैं प्रधान का चुनाव मेरे माता जी को लड़वाया था। हमारे 8 सीट आए थे 8 से हमने 3 निर्दलियों को हमारे पक्ष में किया 11 बनाए। उसी दिन जब गेट से बाहर निकले थे पंचायत समिति गेट से तो वो उनके कार्यकर्ताओं ने राजकुमार को कंधे पर बिठा करके राजू राजू राजकुमार राजू राजू राजकुमार के नारे लगा रहे थे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और कोई सदस्य कोई नहीं दिखाई दिया। तो कोई भी नहीं। अच्छा आप कोई नहीं दिखाई दिया गेट के बाहर मैं अकेला खड़ा था। तो मैंने ये सोगन खाई कि आज के बाद में इसी काम की लगूंगा इस राजू राजू राजकुमार को ऐसे उठाएंगे। वो दिन से मैं लगातार लग गया था और फिर कारवा जुड़ता गया। जब कांग्रेस राज में हम पार्टी के लोगों को मैंने बुलाया आप लोगों से एक दो बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हमारे पास में लोग आते थे तो डरते थे कि यार कहीं मीडिया के सामने मेरी फोटो आ जाएगी तो राजकुमार हमें मार देगा या फोन आ जाएगा उसे तो हर लोग डरता था। तो धीरे धीरे इस कार को नुकसान कर देगा इस कार को हमने जुड़ाया। कांग्रेस राज में जब हम किसी प्रकार का ज्ञापन देने के लिए SDM के कार्यालय में जाते थे तो सब लोगों को लोग बुलाते थे तो 4-5-7 आदमी हम होते थे कोई नहीं दिखता था। उस समय ही मतलब बीजेपी से लोग धीरे धीरे जुड़े और फिर हमारे मुद्दे थे मुद्दों के लिए भी मैंने सब लोगों को जुगाया। उस मुद्दों सारा मिला गया बदराणा वाला बदराणा जोड़ा था तो उसमें मेरे सामने ये बदराणा जोड़ा का कागज प्रताप पुणे लेकर के मेरे पास आया था कि यार भाई साहब ये इसकी फीस अगर वकील की आप दे दो तो ये केस लड़ ले मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो मैंने कहा कि रात प्रताप जितने पैसे लगेंगे कितने लगे पैसा मैं खर्च करूँ तो काम के लगे। श्री गोविंद ज्वेलर्स बड़े शहरों जैसा ज्वेलरी शोरूम आपके शहर मुकनगढ़ मंडी में आपको नहीं जाना पड़ेगा दूर। 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी के सारी वैरायटी सोना चांदी के आभूषण यहाँ उपलब्ध है। धन्यवाद आपको भी मिला क्या बदना वाला में मिला ही होगा वैसे तो धन्यवाद तो जनता देने वाली है वो दे ही रही है आज भी। मैं तो फिर दोबारा नवलगढ़ की जनता को ये बहुत बड़ा धन्यवाद मैंने याद आवा थे राजू राजू यहाँ नारा लगा रहा तो परिवर्तन में रोल रियो है त्याग भी करियो थे बी टाइम क्यों जी मतलब थे क्या तैयार हुआ मतलब यहाँ राठौड़ साहब था ना कि बोलिया जो थे अचानक विक्रम सिंह जी जब टिकट मिली तो सुबह पहले दिन शाम को मिली सुबह 5 बजे मेरे घर पहुंच गया था जा करके मेरे से खूब बातें चीते की राजेश जी यार
क्या करेंगे? मैंने कहा कि भाई साहब या तो मैं पार्टी को जिताऊंगा ना चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ता तो किसान कम्युनिटी के वोट 85,000 वोट निश्चित रूप से मतलब अलग प्रकार का नतीजा होता और वही नतीजा होता जो पहले हुआ था। पहले हुआ था वो राजकुमार जीता और हम वही राके तीन पात्र विक्रम जी और कह रहे थे, और कह रहे थे आज विक्रम जी राज कर रहे हैं, हम उनके साथ में राज तो थे भी कर रहे होगा, हम साथ में है ना, ये तो बात है, सेवा कर रहे हो राज कर रहे हो। देखो वो तो राज में तो राज ही कर रहे हैं, राज तो पहले कर रहे थे 15 साल कर रहे अपन, राज का हिस्सा है ना, गवर्नमेंट सरकार का हिस्सा है, राज हो गए। अच्छा मतलब जब मान लो झुंझुनू में अपन वो लड़े डन टिकट मिल जावे बाद भी देखे तो यहाँ ख्याल आता है कि यार आप भी लड़ते नहीं, वैसे तो देखो बीजेपी को विक्रम जी ने हराया तो फिर विक्रम जी को टिकट मिल गई, अगर ये मैं विक्रम जी को हरा देता तो मुझे टिकट मिल जाती। नेक्स्ट जैसे झुंझुनू में हो रहा है ना, पहले टिकट मिली थी उसको राज हमू जी को तो बबलू ने हरा दिया, फिर पार्टी ने सोचा कि ये मजबूत उसको टिकट दे दी, फिर उसने हरा दिया, फिर उसने हराया था उसको हरा दिया, तो ये मुझे लगता है शायद मैंने गलती की या नहीं की वो तो अब भविष्य। लेकिन देखिए क्या त्याग करने वालों की तपस्या के लोग है ना उसको धन्यवाद तो देते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग मानते हैं भाई पूरे नवलगढ़ की जनता ने मुझे बहुत धन्यवाद दिया, ये कहा कि राजेश तेरा ये त्याग आज बीजेपी को जिता रहा है, और मैंने नहीं किया मेरी जनता के या मेरे साथियों के या मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं के या मेरे साथियों ने मुझे ये कहा कि राजेश अपने कोई काम नहीं करना चाहिए, और मैं भी पहले ही ये तय कर लिया था कि हमें सब लोगों को मिलकर के पार्टी को जिताना है। लक्ष्मी होम्स लेकर आया है आप लोगों के लिए इस त्योहार पर उपहार ही उपहार, इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर किचन आइटम होम डेकोर शादी के आइटम वो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ स्वयं का मैन्युफैक्चरिंग वो भी एक ही छत के नीचे। मनोज जी मतलब किसान कम्युनिटी का मतलब विक्रम सिंह ने खूब वोट मिल जाता, वो अगर चुनाव में लड़ता तो वो वोट नहीं आते, सारा थोड़ी मिलता था आपको सर, नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो अभी जैसे कई जगह अपन देखते हैं झुंझुनू के लिए लोग कह रहे हैं भाई अभी गुड़ा चुनाव लड़ेंगे तो राजपूतों के वोट मिलेंगे, तो वैसे ही हमारी कम्युनिटी के जो वोट हैं वो निश्चित रूप से वो बराबर बराबर रह जाते हैं। पिछली बार नहीं देखा गया जैसे विक्रम सिंह जी निश्चित तो यहाँ ट्रेडमार्क मतलब सही बोले लगा ये निश्चित अगर हम चुनाव लड़ते तो राजकुमार जीतता, चाहे आप यूज के माध्यम से आप वो देख लेना कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी फिर दोबारा ये श्रोताओं को कहूंगा आप नीचे लिख देना कि अगर मैं चुनाव लड़ता तो कौन जीता, आप लिख देना पढ़ लेना सर बात भी जोरदार वो पॉडकास्ट के कि दिल की बात खातिर स्टार्ट करें हमने, मैं तो ये मानता नहीं कि पॉडकास्ट में तो सोच रहे अपन दोनों भाई बात कर रहे हैं, बाकी जो जनता को गलत बोलता हूँ तो माफी चाहता हूँ। तो अब के मतलब मन में तो रवि अपन नेक्स्ट अपना इस बार त्याग कर दिया, अगली बार उसका परिणाम एक बार विक्रम जी ने बहुत शिक्षा थे त्याग करो, विक्रम जी ने कैसे हो? विक्रम जी ने सब पूरी सर्व सभाओं में एक बोला है, सब सभाओं में बोला कि मैं एक ही बार चुनाव लड़ूंगा, मुझे एक बार MLA बनना है, तो विक्रम जी अपने शब्दों पर रहेंगे, मुझे विश्वास है कि वो सिर्फ अगली बार MLA बनेंगे, अगली बार मेरे साथ रहेंगे, मुझे चुनाव लड़वाएंगे। राजनीति में तो कोई कमिटमेंट है और विक्रम जी अपने कमिटमेंट पर खरा उतरता है, वो खरा आदमी है, बात का भी खरा है, हर चीज भी खरी करता है, खरे व्यवहार है उनके, मैं इसमें विश्वास रखता हूँ। तो पूरी उम्मीद कर रहे हो अगली बार नंबर आओ, निश्चित रूप से अगली बार विक्रम सिंह जी जाकर राजेश कटियाओं को पार्टी में चुनाव लड़वाएगा और मेरे साथ रहेगा, और वो ये कहेगा कि तो साथ तो आजकल हो ही बनते थे अलग अलग, मैं साथ में हूँ, अलग नहीं हूँ, मैं और विक्रम जी दोनों साथ में, मैं विक्रम जी ने मेरे को कह दिया था, एक सोशल मीडिया पे एक कमेंट हमने पढ़ा था आपका कि आप एक नाराजगी से जता रहे थे एक दिन, ऐसा मतलब स्क्रीनशॉट नहीं, मैं तो विक्रम जी की तो कभी नाराजगी नहीं जता सकता क्योंकि जब हम साथ में रहते थे। मानो भाई साहब की जहाँ चुनाव परिणाम जो नौगढ़ 6 महीना पहले थे वो देखो चुनाव जिस दिन हम सब एक साथ में लोहारगल से परिवर्तन यात्रा शुरू की थी उस दिन ही नौगढ़ जनता ने तय कर लिया कि अगर ये 5-6 आदमी एक साथ रह जाएंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी, तो परिणाम उसी दिन आ गया वो, था वो कितने महीने पहले था, 6 महीने पहले था वो, 6 महीने के पहले के आसपास थी परिवर्तन यात्रा निकल थी बीजेपी पार्टी में, उस दिन चुनाव तय हो गया था, और बिग पद से कहीं आया सागर होगा लेकिन परिणाम तो बिटाइम तय हो, परिणाम उसी समय तय हो गया था जब सब लोग एक साथ, क्योंकि आपने देखा था राजकुमार का बहुत जबरदस्त विरोध था, विरोध होने के पीछे एक कारण था कि राजकुमार के मिनी राजकुमार जगह जगह हर गांव में पैदा हो गए थे, प्लस राजकुमार ने सबसे बड़ी गलती की थी अपने सामने जो जोड़ा है इस जोड़े को छेड़ करके सबसे बड़ी गलती की, उसको घमंड हो गया था कि जो मैं करता हूँ वो सही है। दूसरा जो सीमेंट श्री सीमेंट फैक्ट्री में हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था, 11 महीने तक हमारा धरना चला था, उस धरने में हम खूब लोगों ने मिलकर के काम किया और फिर हमारी किसान कम्युनिटी की सभी लोगों की विजय भी हुई थी क्योंकि वहां से हमारे को 10 लाख से लेकर 26 लाख रुपए करवा देते, तो ये बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे थे। तीसरा
आप देख रहे हैं कि नवलगढ़ में बड़ी बड़ी हवेलियों को ध्वस्त करके वहाँ किस प्रकार से तांडव मचाया गया था। तो नवलगढ़ी जनता ये हो गई, ये जो नवलगढ़ को जो खाने वाला आदमी उसको नवलगढ़ बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हवेलियों की बात कर, टूट रही है, अब अगर ये टूट रही है तो फिर ये गड़बड़ी है। मैं कब इन बातों थोड़ा सा कम ध्यान देता हूँ, आप जमीन से जुड़े हुए आदमी। हाँ, जमीन से जुड़ा हूँ इन बातों थोड़ा। हवेली कौन तोड़ रहा है, मैं सोचता हूँ भाई शायद सेठ ही तोड़ रहे होंगे अपनी हवेली। अपने सेठ तो दे रहे हैं, वो तो उनकी मिस्टेक तो पहले भी थी, अभी भी है, मैं तो वो तो मानते हैं सेठ। देखो अब भी थोड़ा सा, लेकिन आप ये मानते हो कि भाई देखिए मतलब आप अच्छा मांगे भाई, लोग सुन रहे, लोग एनालिसिस करेगा यार बात सच्ची कह रहे हैं, सच्चा आदमी है, पर आप मान लो कि कोई गलत हो रहा है उसका नहीं बोलेंगे, पहले भी आपने बोला, हो सकता है कि बड़े लोगों को नहीं पता होगा आपको, मतलब या जी को नहीं पता, नीचे वाले लगे हुए होंगे या बिजनेसमैन लगे होंगे, लेकिन गलत है। अगर नवलगढ़ की हवेलियां जिस राज में टूटेगी वो राज चेंज हो जाता है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। नवलगढ़ की हवेलियां तो एक बहुत बड़ी धरोहर है, नाम और आज पूरे राजस्थान में अगर सबसे बढ़िया जगह तो मुकनगढ़, नवलगढ़, मंडावा, ये हमारी कितनी प्यारी प्यारी हवेलियां जो बनी नहीं सकती दोबारा, इनको तोड़ना वापिस नहीं है। और जैसे मानो मैं तो पहले जिन्होंने तोड़ी उनका विरोध रहा ही है। दूसरी बात, उसमें थोड़ा सा एक कारण हो रहा है, अभी हम सोशल मीडिया पर कई बार देखते हैं जो टीमें थी पहले हवेलियां तोड़ती थी, जो टीमें इस प्रकार के काम करती थी वो अभी भी एक्टिव, वही टीम है, वो टीमें खूब ज्यादा एक्टिव है, जो वास्तव में धरातल का जो लोगों ने काम किया, धरातल के साथ जुड़े रहे, जो परिवर्तन करके नवलगढ़ के सुनहरे अवसर के रूप में देखना चाहते थे, वो लोग थोड़ा सा शांत है। तो वो टीम कौन सी है, थोड़ा सा खुल के बताओ ना कटेव जी, आप तो बड़े बहादुर और लड़ाकू रहे हैं उस दौर में, जब आपने बताया राजकुमार शर्मा। नवलगढ़ के लोग सब चीज जानते हैं, फिर भी मतलब जैसे हम चाहते हैं कि आप खुलकर, अभी समय नहीं है, बाद में बोलेंगे, समय आने पर बता देंगे। या पार्टी फोरम की बात होगी, पार्टी फोरम में पार्टी का एक सेवक हूँ, मैं सिपाही हूँ और पार्टी के लिए मैंने काम किया। पार्टी की बात चल रही, पार्टी फोरम से थोड़े जुड़े हुए थोड़ी लोग होंगे वो, वो सिर्फ व्यापारिक लोग, कांग्रेस के हैं तो नहीं, वो सिर्फ व्यापारिक है, उनको सत्ता के साथ में सत्ता का सुख भोगने का उनका आदत है, उसी में रहेंगे और उसके लिए पार्टी बाजी को। विधायक जी से आपकी बातें होती है क्या? खूब होती है मेरे साथ में, कल ही मैं खिरोड़ में मेरे प्रोग्राम में विधायक जी मेरे आगे आगे थे, मैं उसके पीछे पीछे साथ साथ में। दोनों भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी है। हाँ, वो अच्छी जोड़ी है, बहुत बढ़िया, सब लोग देखते हैं, सब जानते हैं राम लक्ष्मण के रूप में। हाँ, तो फिर दोनों बातचीत भी होती होगी। बातचीत तो बता ना होती रहती है, हमारी बातचीत क्यों नहीं होगी, हमारी कोई नाराजगी थोड़ी है। मैं जब त्याग किया, विक्रम जी ने मुझे घर जा करके, मैं बता रहा था ना, 12वीं टिकट रात को मिली, सबसे पहले मेरे घर गए थे और जाकर के मुझे हाथ जोड़ के बोला था कि राजेश जी ये मेरा भविष्य का सवाल, आप चुनाव, मैंने कहा वैसा चुनाव लड़ूंगा तो सामने मिलूंगा और चुनाव नहीं मिलूंगा तो साथ मिलूंगा। बेटा तुलना राशि भी थोड़ी सी कमजोर है। हाँ, कमजोर इसीलिए राठौर, राजकुमार, रामलाल शर्मा, अगर रमेश धीड़ी, रघु शर्मा, मैं एनालिसिस करी, मैं जूनू सिक्कर चाचा मेरे नजर जुड़ाव थे। देखो कायदे से तो राजेश कटवा जी गिनते में बात, पुरुष राशि भारी विक्रम जी की पुरुष राशि। देखो विक्रम जी ने पिछली बार अच्छी मेहनत की, 40,000 वोट लिए, वोट लेने के बाद में क्या है कि पार्टी में रिपोर्ट तो जाती रहती है, भाई मैं फ्रेश था, विक्रम जी ने चुनाव लड़ के 40,000 वोट प्राप्त कर लिए थे, तो वो एक खबर तो थी भाई, इस प्रकार से इसने चुनाव लड़ा तो इसका मतलब यहाँ से 40,000 वोटों से शुरू, मैंने तो हम उसको धन्यवाद देते हैं कि अभी भी मतलब कई काम तो बहुत अच्छे किए, जैसे बजट भी ठीक लेकर आए हैं, और मैं मानता हूँ कि सुनते सबकी करते हैं, शायद खुद की अच्छा ही करेंगे, हम उम्मीद करेंगे बेहतर करेंगे। विक्रम जी देखो अपने मन की दिल की बात करते हैं, हमारी बातें सुन करके वो काम भी करते हैं, और बजट के लिए तो मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि नवलगढ़ में इतना बजट एक साथ में कभी नहीं आया, उतना बजट लेकर के, क्योंकि वो जिस काम के पीछे लग जाते हैं उसको करते हैं। श्री गोविंद ज्वेलर्स, बड़े शहरों जैसा ज्वेलरी शोरूम आपके शहर मुकनगढ़ मंडी में, आपको नहीं जाना पड़ेगा दूर। 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी के सारी वेरायटी सोना चांदी के आभूषण यहाँ उपलब्ध है। पिछले दिनों पुतला दहन हुआ, एक बार राजकुमार शर्मा जी का हुआ तो लोगों ने कहा पुतला दहन वाली परंपरा नहीं होनी चाहिए, कल परसों वर्तमान विधायक विक्रम सिंह जी का हुआ तो लोगों ने कहा पुतला दहन वाली नहीं। ये थोड़ी सी मैं विक्रम जी की गलती मानता हूँ, अगर जिस दिन हमारी पार्टी का राज आ गया था, 12 महीने हो गए, इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं था, तो विक्रम जी को खुल करके इस पर काम करना चाहिए था और मेला भरवाना चाहिए था, ये विक्रम जी ने नहीं किया, इस कारण से पुतलाबाजी होती है। तो यह तो मैं उसका हालांकि उसका खंडन नहीं करूँगा, लेकिन ये हमारे पक्ष की मानो चाहे विक्रम जी की मानो चाहे मेरी मानो, ये हमारी पार्टी गलती रही है, जिस दिन हमें
यहाँ से एमएलए जीत गया था तो पहला काम है हमारा बदराणा जोड़े को वास्तविक स्थिति में लेना। आप लोग लीगली इसको भरवाना चाहेंगे या लीगली भरवाएंगे? इस प्रकार से फॉर्मेलिटी नहीं, तो अभी टाइटल जो कोर्ट में चल रहा है, जुडिशियरी मामला चल रहा है, तो आप हम लोग जैसे इसमें मतलब किस तरीके से मेला भराते हैं, क्या मतलब आप कानूनी दायरे में सरकार आपकी? अब देखो वो इतना तो मैं बताकमा गहरा में बन जाऊँ, क्योंकि जिस दिन चुनाव हो गया तो उस दिन बाद में सिर्फ जितने भी हमारे क्षेत्र में प्रोग्राम होते हैं उसको अटेंड करता हूँ, प्लस व्यापार में ध्यान दे रखा है जी। तो ये चीजों तो सब विक्रम जी का सब्जेक्ट है। फिर भी आप बता रहे हैं विशेष आपने, क्योंकि मैं तो इतना ही मानता हूँ कि नवलगढ़ की जनता की इच्छा थी कि अगर पार्टी का राज आ गया तो मेला भरना चाहिए था, तो कैसे ये कैसे मेला भरना चाहिए नहीं, बेरी में चला गया है वो चला हाँ, बेरी में नहीं जाता चाहिए, एक बार अपन उसको किसी प्रकार से मेला भरवाते, सब लोगों को बुलाते, सब लोगों से मिलते, तो इसमें एक अलग प्रकार की आपके वही जो मुद्दे थे वो तो रहने चाहिए भाई। अभी हमारे मूल मुद्दे थे वो दोनों तीनों मुद्दों पर कोई प्रकार का काम नहीं हुआ। काम नहीं होगा तो जनता जवाब मांगती है, चाहे वो मेरे से मांगे, चाहे आपसे मांगे, चाहे विक्रम जी से मांगे। हो सकता है कोई किसी को डर करके या किसी से बातचीत कर करके या और प्रकार से हो, लेकिन वास्तव में जनता तो जवाब मांगेगी। हेलो, नवलगढ़ के प्रति क्या राय है आपकी? हम लोग जैसे मेरे तो नवलगढ़ के सभी मीडिया के साथियों से ये निवेदन ही रहता है कि उन्होंने जिस प्रकार से निष्पक्ष तरीके से काम किया, तो मैं पूरे मीडिया कर्मियों को नवलगढ़ के धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमारी उस समय भी बातें दिखाई, चाहे वो हेलो नवलगढ़ या अन्य मीडिया के साथी हैं, जब हम सिंगल चार आदमी टेंट के सामने SDM कार्यालय सामने बैठे रहते थे, तब हमारे पास सबसे बड़ा हथियार आप थे। आपने हमारा सहयोग किया, समर्थन किया, हमारी बातों को जनता तक दिखाया। भेदभाव तो नहीं करते ना हम? ना ना, आज भी नहीं करते, पहले भी नहीं करते थे। इस प्रकार का कोई बात कहता है तो वो गलत है जी। अच्छा, तो कटिया जी जी थे बता रहे हो कि अब तो व्यापार पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि भाई व्यापार बिना क्यों को नहीं। तो वर्तमान में क्या मतलब इन चीज़ों पर विशेष राजनीतिक सेवा के माध्यम के अलावा और क्या विशेष फोकस रहता है व्यापारिक रूप से? मतलब जैसे मैंने सुना अच्छी आप रिलायबल हैं इस व्यापार वाले इस विषय में, कटिया बिहार फर्स्ट सेकेंड थर्ड जिस तरीके से, वो व्यापार का हिस्सा है, मतलब वो उसके रियल स्टेट व्यापार रियल स्टेट में थोड़ा सा क्या हम शिखर में काम कर लेते हैं और शुरू से पिछले 10 साल से हम काम कर रहे हैं। और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। मेरे जितने भी मतलब कस्टमर मान लो जो हमसे प्लॉट लेते हैं, तो वो सब हमारे पे ट्रस्ट करते हैं, भाई कटिया जी ने कॉलोनी काट दी, इसका मतलब 100% खरा सोना। और एक वो ट्रांसमीटर ट्रांसफार्मर वाला शायद आपका बिजनेस है ना? हाँ, दूसरा हमारा साइलेंट जनरेटरों का है, जो पूरे भारत में बड़ी कंपनियों को हम रेंट पे उपलब्ध करवाते हैं जी। और साथ में रिपेयरिंग मेंटेनेंस का मेरे पास आरकॉम जियो इनका अधिक राजस्थान का लगभग मेरे पास मेंटेनेंस का काम है, वो तो हमारा एक व्यापार है। सामान्य परिवार से निकल कर आप जीवन में क्या ऐसा एक लक्ष्य आपने तय कर रखा है कि उस लक्ष्य के साथ में आगे चलेंगे आप? वैसे लक्ष्य तो हमारा बड़ा है जी, सार्वजनिक करने वाला हो तो बताओ। नहीं, वो जब समय आएगा तब। पॉलिटिकल में भी देखो, हमेशा हर आदमी बड़ी सोचता है, बड़े काम करते हैं, बड़े सोचेगा, बड़ा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, भगवान उसका आशीर्वाद देगा और जनता भी उसको आशीर्वाद देगी। नवलगढ़ की सेवा करना है ये तो मेरा शुरू से ही, जिस दिन मैं गरीबी में जीवन जीता था जी। और मैं आपको फिर दोबारा मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे पास स्कूल की फीस नहीं थी, कच्चे मकानों घर में हम रहते थे और प्राइवेट स्कूल के पढ़ने का नाम ही नहीं था, प्राइवेट सरकारी स्कूल में हम पढ़ते थे। और जब हमारे स्कूल समय के बाद में जब 1.5 महीने की छुट्टी होती थी, तो हम मजदूरी कर करके हमारे सामने आने वाले क्लास की 5-7 रुपया फीस प्लस किताबों के पैसे मजदूरी कर करके हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की। और उसके बाद में जब मैंने व्यापार शुरू किया था, उसमें भी मेरे मोटा कर्जा था, रहने के लिए एक मकान था, घर में 3 बीघा जमीन थी और परिवार मेरे छोटे से बच्चे, मैं 10वीं क्लास में तभी मेरी शादी हो गई थी, तो दो बच्ची एक बच्चा है, बाल विवाह हो गया था तो वो पूरा भार था। और वहाँ से मैंने काम स्टार्ट करके आज मालिक की दया से बेटियों का भाग्य आपका आगे प्रोग्रेस कर रहा है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, बच्चों का भाग्य आगे भी बढ़ते रहे, हम तो ये चाहेंगे। और चुनाव में कहने पर याद आ गया, मतलब उस समय भी वो एक दिन चुनाव में उस दौर में भी वो भी बड़ा चर्चा कर रहा था लियाड़ी और इस तरीके। हाँ, वो तो मैं आपको बात बताने वाला था, वो तो भूल गया। एक छत के नीचे आपको मिलेंगे सारे इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर और किचन आइटम। AK स्टील ट्रेडर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, नगर पालिका के पीछे नवलगढ़। मोबाइल नंबर 9414491215। वो एक्चुअली क्या था कि नवलगढ़ की पूरी नब्ज पकड़ लेते हैं, मतलब पूरे व्यापारी सरकारी कर्मचारी जब हम कहीं भी जाते तो हमारे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब चैनल के सामने आते थे तो बोलने नहीं यार राजेश फोटो मत आ देना, अगर फोटो वो देख लेगा तो हमारे पास शाम को ही फोन आ जाएगा था।
और उस समय मेरे को एक बात याद आ गई, तो उसमें एक लाड़ी आ गया था, जैसे अब की बार आया था ना वो एक बघेरा, उससे एक लाड़ी आ गया था। तो एक सार्वजनिक सभा में उस लाड़ले ने यह कह दिया था, बोले तीन चार एक लाड़ी घूमे। तब मैंने सोचा यार इससे जनता डरती है, मैंने उस समय कहा था ए बकरी देख लेंगे तेरे को, ये लाड़ी ही तेरे को फाड़ देंगे, और ये करके दिखा दिया हमने उस समय बड़े एग्रेसिव नेचर। चुनाव में जब एक बार बैठे तो बड़ा मतलब मन में मेंटली प्रिपेयर होकर फिर लगे भी आप लोग, और अच्छी बात है। अभी पब्लिक जैसे काम के लिए कहती है तो फिर विधायक जी को बताते हैं? नहीं, जितने भी लोग हमारे साथ थे, हमारे पास दिन भर में अब भी मेरे व्यापार में साथ जुड़े हुए मेरे स्टाफ के लोग कहते हैं यार आपका फोन 90% तो राजनीति के बजते हैं, 10% ही व्यापार के नहीं बजते हैं, राजेश इस पर भी थोड़ा ध्यान दो। तो मेरा ज़्यादातर ध्यान पूरे नवलगढ़ की उस जनता पे रहता है कि जहाँ जहाँ हमने वादे किए थे, हमने जो कमियाँ देखी थी, हमने जो सभाओं में बोले थे, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे और कोई बात हो, वो मुद्दे हमारे किसी प्रकार के हमने जो बोले वो काम अगर नहीं करेंगे तो जनता हमें माफ नहीं करेगी, इसलिए हम उस बातों पर हमेशा रहते हैं। चाहे वो बदराना जोड़ है तो वो जब तक नहीं छूटेगा तब तक हम चैन की सांस लेने वाले नहीं हैं। हमारी सीमेंट फैक्ट्री में जब तक हमारे युवा साथियों को और किसान भाइयों को उचित न्याय नहीं होगी तब तक हम सांस नहीं लेंगे। रोजगार आज भी मेरे पास हमारे रोजगार आते हैं, लेकिन आप उनके लिए कर क्या रहे हो रोजगार में अभी पब्लिक के लिए, युवाओं के लिए? एक्चुअली देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें बड़े लेवल की हो जाती है जी। और वैसे मेरे पास न तो कोई पद है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, न मेरे पास कोई पद है, न मैं किसी पद पे हूँ। नाम तो बड़ा है, टीम मैं है। तो ओरिजिनल बात बता रहा हूँ सर आपको, न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे पास कोई पद है, न मैं कोई जनप्रतिनिधि हूँ। मैं एक साधारण किसान, गरीब किसान का बेटा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे युवा साथियों की, नवलगढ़ की जनता के बल पे ही लड़ता हूँ, वो मेरे साथ में जनता। तो फिर उनके लिए लड़ने पिछले दिनों एक बार, हाँ पिछली बार भी सीमेंट फैक्ट्री वालों ने कुछ बकवास की, वहां मैं और विक्रम सिंह दोनों के, उसके बाद में विक्रम सिंह जी वहां से चले गए थे, मेरे 40 युवा साथियों को वहां से छुट्टी हो गई थी। विधायक थे या विधायक जी उसमें वहां से कोई भाषण देकर चले गए थे, तो मेरे 40 जो युवा साथी मुझे पकड़ लिया कि आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि आप यहाँ से भाषण देकर चले जाओ, हमारा काम होगा, हमारी छुट्टी होगी कंपनी से। तो मैंने कंपनी के वहीं से बैठ करके फोन किया था कि आप बाहर आ जाओ, और इन युवा साथियों की छुट्टी कैसे की, तो उनको 40 को वापस लगा लिया था। अब हो सकता है उसके बाद में कितने की छुट्टी होगी कितने मुझे पता नहीं, मेरे पास कोई फोन है, लेकिन उस दिन 40 को 40 ज्वाइनिंग करवाई। दूसरी बात, मेरे जो यूनियन है ड्राइवरों की, उसको मैंने फोन किया, उस गाड़ियों को उसने ब्लैकलिस्टेड कर दी थी, उसको वापस निकलाई, वो जो आस पास की जितनी गाड़ियाँ हैं उसको वापस मैंने वहाँ लगवाया है। और कोशिश मेरी है कि एक बार मुझे लगता है इन सीमेंट फैक्ट्री के मालिकों को या यहाँ के बड़े कर्मचारियों को फिर थोड़ थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, नहीं आंखों में मांस चढ़ गया है तो उसको थोड़ा थोड़ा मांस काटना पड़ेगा। कैसे? मतलब अभी जब तक लोकतांत्रिक रूप से, लोकतांत्रिक तरह से। अभी कल मेरे पास किसान भाइयों का फोन आया, वो मैं SDM साहब से मिलके गया हूँ। SDM साहब को मैंने कहा कि तुम्हारे को ज्ञापन देंगे, अभी भी उनके पास में प्रेशर ये आ रहा है कि आपको यहाँ से खदेड़ा जाएगा, यहाँ से आपको प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करके निकाल दी जाएगी। लेकिन मैंने SDM साहब को कह गया था कि दीपावली से पहले अगर किसी को बेघर किया तो हम आपके सामने खड़ा हो जाएंगे। और फिर बड़ा दिवाली के बाद भी क्यों करवा रहे? मैं तो सर एक भी दिन नहीं होने दूंगा जब तक मेरे किसान भाइयों का उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। मुझे चाहे कहीं मेरी पार्टी के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा तो राजेश कठेवा खड़ा होगा। मेरे युवा साथियों के लिए अगर सही न्याय नहीं हुआ तो मुझे किसी के भी खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, राजेश कठेवा युवा साथियों के साथ रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक अंतिम सवाल, कितने नंबर दोगे आप विधायक जी को? एक साल के कार्यकाल भी 10 में से कितने नंबर दो? नंबर राजेश कटेवा देने वाला नहीं है, नंबर देने वाली नवलगढ़ की जनता है। वो तो 4 साल बाद में देगी ना, 5 साल नवलगढ़ की जनता। जिस दिन कोई आदमी विजय हो जाता है तो उस 5 साल तक लगातार नंबर देते रहते हैं, नंबर देते रहते हैं। परसेंटेज आप निकाल लेना। आप मैं तो सवाल मेरा है, आप बताओगे मुझे परसेंटेज बता दो। कोई बात नहीं, हमारी पार्टी की हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। 10 में से 10 देते। मैं तो कह रहा हूँ 100 में 100 दे दो। नंबर लास्ट उसकी LFC 10 है तो 10 में से 10 ही दो, कम क्यों दे रहे हो, हमारा भाई है। आप कितने 10 से 10 दे रहे हैं? मैं तो 10 में 10 ही दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे, और आपने बड़ा महत्वपूर्ण समय दिया। नहीं, वो तो कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया। तो हमारे साथ में राजेश कटेवा जी हैं, जो हमारे इस पॉडकास्ट में कुछ हमने बातें इनसे ऐसे हंसी मजाक से करते हुए तमाम बातचीत की है, और बहुत अच्छे माहौल में।
और जो भी चीज़ें हैं विदाउट कट आप लोग देखेंगे एंजॉयमेंट के साथ में, मोहब्बत से। राम राम शाह, राम राम शाह, राम राम शाह।